नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश। जामुन एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में खूब खाया और पसंद किया जाता है। काला रंग का ये जामुन कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। इसमें फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जामुन से कहीं ज्यादा इसकी गुठली हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। हम अक्सर जामुन खाकर इसकी गुठली फेंक देते हैं। आज हम आपको इस गुठली की जिस खूबी के बारे में बता रहे हैं उसे जानकर आप इसकी गुठली को अब कभी नहीं फेंकेंगे। जी हाँ, जामुन की गुठलियाँ कई बीमारियों का इलाज है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर इसकी गुठली खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जामुन की गुठली में जम्बोलिन और जम्बोसिन नाम के तत्व पाए जाते हैं, जिससे ब्लड में शुगर रिलीज स्लो हो जाता है और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब जामुन के बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर तैयार कर लें। खाना खाने से पहले आप इस चूर्ण को खा सकते हैं। कई लोगों को डाइजेशन की बड़ी दिक्कत होती है। जिन्हें ऐसी समस्या होती है उन्हें कई चीजों को ना खाकर अपना मन तक मारना पड़ता है, लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि जामुन के बीज पाचन के लिए काफी अच्छे माने गए हैं। इसलिए अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपको जामुन के बीज खाने से काफी आराम मिल सकता है। आप जामुन के बीजों का पाउडर बना लें और इसको हफ्ते में 3 से 4 बार खाने से पहले खा सकते हैं। जामुन के बीजों में फाइबर होता है जिसके चलते ये आंतों में घाव, सूजन और अल्सर जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम करने में कारगर माना गया है। ये बात सब जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स होते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी पीड़ा भी सहनी पड़ती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट में काफी दर्द होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में इस दर्द से छुटकारा दिलाने में जामुन के बीज काफी मदद कर सकते हैं। आपको करना ये है कि जामुन के बीज को पीसकर उसका पाउडर बना लें और फिर उसका सेवन कर लें। इसमें मौजूद जिंक आपको पेट के दर्द में काफी आराम देगा। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी की वजह से हर कोई अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर इस बीमारी से बचकर रहना है तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा करना होगा और इसमें आपकी मदद जामुन का बीज कर सकता है। दरअसल जामुन के बीज में फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को फायदा देने के साथ ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा कई लोग अपने बढ़ते वजन के चलते काफी परेशान होते हैं। ऐसे में वो ऐसी कई चीज करते हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए। वजन कम करने के लिए जामुन का बीज भी आपकी काफी मदद कर सकता है। जामुन में फाइबर की मात्रा काफी पाई जाती है। यह हमारे पेट को हेल्दी रखने से लेकर वजन घटाने तक में आपकी काफी मदद करता है। दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर हम एक चीज बता दें, जिसको जामुन खाने से एलर्जी है या जिसको जामुन पसंद नहीं है, पेट चल जाता है या दस्त लग जाते हैं, तो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वो इसके सेवन से बचे। कई बार जामुन की गुठली का ज्यादा सेवन गैस, पेट में दर्द, अपच इस तरह की प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए खाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप जामुन की गुठली को कैसे यूज कर सकते हैं। पहले जामुन को धो लें और बीज को गुदा से अलग कर दें। अब एक बार फिर बीजों को अच्छी तरह से धो लें और सूखे कपड़े पर रखकर धूप में 3 से 4 दिन सुखा लें। पूरी तरह से सूखने पर जब वजन हल्का लगने लगे तो इसके अपर के पतले से छिलके को उतारें और बीजों को मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। भरपूर फायदा पाने के लिए आप इसे खाली पेट सुबह दूध के साथ लें। अगर आप इस चूर्ण को रोजाना खाते हैं तो इससे डायबिटीज के रोगियों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जामुन के बीजों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो अब आप इंतजार किस लिए कर रहे हैं?
जाइए जामुन खरीदिए और जामुन के बीज का पाउडर बनाइए और इसे अपनी डाइट में शामिल करें और इसके फायदे उठाएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।